हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे पाठ 10 कारक। क्या कहता है पाठ? विभिन्न कारक और उनकी विभक्ति कौन कौन सी है, संबंध कारक की विभक्ति क्या है, आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। से विभक्ति का प्रयोग दो कारकों में किया जाता है, वे कारक कौन से हैं? मित्रों से चर्चा कीजिए। 5 वर्ष की आयु में माता के वात्सल्य तथा 10 वर्ष की आयु में पिता के प्यार से वंचित होने वाले भारतेंदु की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं का अध्ययन किया। मात्र 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। भारतेंदु जी यात्रा के बड़े शौकीन थे। इन्हें जब भी समय मिलता ये यात्रा के लिए निकल जाते थे। दिए गए गद्यांश में रंगीन शब्दों को ध्यान से देखिए। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो अनुच्छेद पढ़ने और समझने में कठिनाई होगी। ये रंगीन छपे शब्द ही कारक है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद इस प्रकार हैं। 1 कर्ता परसर्ग ने, 2 कर्म परसर्ग को, करण से के द्वारा, के साथ के कारण, संप्रदान को के लिए, के निमित्त, अपादान से प्रत्कता सूचक, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, संबोधन अधिकरण में पर पे, संबोधन आ रे ओ आ रे ओ अजी अरी है, ये स्वतंत्र संबोधन है, परसर्ग नहीं। 1 कर्ता कारक क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसका परसर्ग चिन्ह ने है। वाक्य की क्रिया के साथ कौन किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्ता कारक होता है। जैसे वेद कहानी पढ़ता है, कौन कहानी पढ़ता है? वेद। पिताजी ने अखबार पढ़ा, किसने अखबार पढ़ा? पिताजी। परसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव। अंकित ने मोर को देखा, मामा जी दिल्ली गए। पहले वाक्य में परसर्ग ने का प्रयोग हो रहा है जबकि दूसरे वाक्य में नहीं। 1 ने हर स्थिति में कर्ता के साथ नहीं आता, इस स्थिति में शून्य परसर्ग रहता है। ने हमेशा भूतकाल के साथ आता है, अर्थात परसर्ग ने का प्रभाव क्रिया पर पढ़ते ही वह भूतकाल में हो जाती है। जैसे सुमन ने कविता याद की। जब भी कर्ता के साथ ने परसर्ग आता है तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे उपयुक्त वाक्य में देखा क्या मोर। 3 वर्तमान और भविष्यत काल में। वर्तमान और भविष्यत काल में ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है वर्तमान काल, अध्यापिका पढ़ाएंगी भविष्यत काल। विशेष कभी कभी ने के अतिरिक्त अन्य परसर्गों के द्वारा भी कर्ता कारक का बोध होता है। जैसे अनु के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, अनु ने पुस्तक पढ़ी। दीदी बहुत से काम करती हैं, दीदी जी ने बहुत से काम किए। 2 असमर्थता का भाव प्रकट करने वाले कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में ने के स्थान पर से या के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे पत्र के द्वारा लिखा जाता है, रोगी से हिला नहीं जा रहा। 2 कर्मकारक वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्मकारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। जैसे सुनिधि चौहान ने गीत गाया, कुत्ते ने गेंद को पकड़ लिया। वाक्यों में गाया और पकड़ा क्रिया के व्यापार का फल गीत और गेंद पर पड़ रहा है, इसलिए गीत और गेंद कर्म कारक है। विशेष 1 को परसर्ग का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ ही होता है। जैसे पुजारी ने भिखारी को प्रसाद दिया, प्राणीवाचक कर्म। दूसरा अप्राणीवाचक कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है। जैसे उसने निबंध लिखा, अप्राणीवाचक कर्म। 3 नंबर कभी कभी एक वाक्य में 2 कर्म भी प्रभुक्त होते हैं। जैसे भगत सिंह ने अपने पिताजी को पत्र लिखा, दादाजी ने नौकर से खीर बनवाई।
ऊपर के वाक्यों में भगत सिंह और नौकर प्राणीवाचक कर्म है, अतः उनके साथ को का प्रयोग किया गया है, अन्य के साथ नहीं। वाक्यों में पत्र और खीर मुख्य कर्म है, भगत सिंह और नौकर गौण कर्म है। 4, यदि वाक्य में विभक्ति रहित कर्म हो तो उसे पहचानने के लिए क्या लगाकर प्रश्न करना चाहिए, जैसे तोते को मिर्च खिलाओ, क्या खिलाओ मिर्च। अन्य उदाहरण, आशु ने पिताजी को ईमेल भेजा, बाढ़ पीड़ितों को जाने दो। 3, करण कारक, जिन शब्दों की सहायता से क्रिया का व्यापार कार्य होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से या के द्वारा है, जैसे व्यक्ति ने डंडे से सांप को हटा दिया, ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। इन वाक्यों में डंडे से, संगमरमर से साधन है, क्रिया में इनकी मदद ली गई है, इनसे क्रिया का व्यापार हुआ है, अतः यहाँ करण कारक है। के साथ के द्वारा का प्रयोग भी होता है, जैसे अब परिणाम ईमेल के द्वारा भेजे जाते हैं, तुम विवेक के साथ मेट्रो में चले जाना। 2, से पर सर्ग का प्रयोग केवल साधन के रूप में ही नहीं बल्कि कई अन्य प्रकार से भी अपेक्षित है, जैसे आतंकवादी पुलिस की गोली से मारा गया, कारण अध्यापिका की बातें ध्यान से सुना करो, रीति सुनीता बस से जाती है, गतिबोधक में नौकर चाकू से सब्जी काटता है साधन। 4, संप्रदान कारक, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए वह पद संप्रदान कारक होता है। इसके परसर्ग को के लिए, के हेतु, के वास्ते हैं, जैसे माँ ने पंडित जी को खाना दिया, दादा जी दीदी के लिए वस्त्र लाए, पेट के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता, भक्त दर्शन हेतु मंदिर गया। विशेष उदाहरण, तुम्हें मेरे 500 रुपए देने हैं, वह उस पहलवान के लिए काफी है। विशेष 1, यदि वाक्य में संप्रदान कारक और कर्म कारक दोनों हो तो कर्म कारक के साथ को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, जैसे माली ने बच्चे को फूल दिया, पापा ने दादी जी को उपहार भेजा, राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दान दिया, मोहित ने दर्शकों को गीत सुनाया। 2, कर्म दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। दिए गए वाक्यों में फूल, उपहार, दान, गीत प्रत्यक्ष कर्म की श्रेणी में आते हैं। इसके विपरीत विश्वामित्र, दादी जी, बच्चे, दर्शकों अप्रत्यक्ष कर्म की श्रेणी में आते हैं। अप्रत्यक्ष कर्म सदैव संप्रदान कारक में होता है। कर्म और संप्रदान कारक में अंतर, कर्म कारक संप्रदान कारक, इसका भी परसर्ग को और के लिए है। वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर जब कर्म पर पड़े तो कर्म कारक होता है, जैसे विनय ने कहानी लिखी। वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए वह संप्रदान कारक होता है, जैसे पिताजी ने मन्नू को खिलौने दिए। 3, की केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ आता है एकल रूप में, जैसे पुलिस ने चोर पकड़ा। 3, यहाँ को के लिए, के वास्ते के अर्थ में आता है, जैसे सेठ ने गरीब लोगों को धन दिया। 4, जगाना सुलाना बुलाना पुकारना कोसना मारना आदि क्रियाओं के साथ कर्म कारक होता है, जैसे डॉक्टर को बुला लाओ। 4, प्रणाम नमस्कार धन्यवाद बधाई धिक्कार चाहिए उचित योग्य आवश्यक सहज कठिन में संप्रदान होता है, जैसे माता पिता को प्रणाम है। 5, अपादान कारक, जिस पद से अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, लज्जित होने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है, जैसे वह बड़ों से लजाती है, हम अध्यापकों से पढ़ते हैं, काम से क्रोध पैदा होता है, स्कूल के बाहर सड़क है, वृक्ष से फल गिरा, इस संसार में ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं है। करण और अपादान कारक में अंतर,
इन दोनों कारकों में से परसर्ग का प्रयोग होता है। जहां साधन करण के अर्थ में से का प्रयोग होता है वहां करण कारक, और जहां अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है वहां अपादान कारक होता है। अर्थात जहां क्रिया का साधन प्रकट हो वहां करण कारक, और जहां क्रिया अलग होने के भाव में आए वहां अपादान कारक होता है। जैसे हम कार से केरल गए, करण कारक। मुकेश छत से गिर गया, अपादान कारक। नंबर 6, संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बनाने वाले पद को संबंध कारक कहते हैं। इसके परसर्ग का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है। जैसे मयंक की कार बहुत सुंदर है, आप मेरी पुस्तक पढ़कर देखो। संबंध अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से ही हो सकता है। इस प्रकार संबंध कारक से अनेक रूपों में संबंध प्रकट होते हैं। जैसे अंग संबंध, शरीर के विभिन्न अंग। आधार संबंध, नगर के वासी। रिश्तेदारी, माँ का बेटा, बहन के भाई। अधिकार, मेरा देश महान, हमारे प्रधानमंत्री। नंबर 7, अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। क्रिया आधार बताने वाले शब्द अधिकरण कारक कहलाते हैं। इसके कारक चिन्ह है मैं, पर। जैसे माता जी आंगन में है, पुस्तक मेज पर रखी है। 8, संबोधन कारक। किसी को पुकारने, बुलाने या संबोधित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे संबोधन कारक कहलाते हैं। इनके कारक चिन्ह है हे, अरे। जैसे हे भगवान रक्षा करो, अरे कहाँ चले गए। पाठ पढ़कर हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बनाने वाले पद को संबंध कारक कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।